शुरुआत रायपुर से बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ विद्या मितान अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। आंदोलन के तीसरे दिन भीख मांगकर विरोध जताया। तीसरे दिन प्रदर्शन की शुरुआत आदिवासी नृत्य से की गई। विद्या मितान अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और ये तीसरे दिन का प्रदर्शन नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्या मितान अतिथि शिक्षकों का, जिसमें भीख मांगकर और आदिवासी नृत्य के साथ आज के प्रदर्शन की शुरुआत की गई। देखिए जरा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये विद्या मितान शिक्षक है, अतिथि शिक्षक, जो कि नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और विरोध का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। देखिए हाथों में कटोरा लिए भीख मांगकर अपना विरोध जता रहे हैं। मांग नियमितीकरण की, आदिवासी नृत्य देखिए इस विरोध प्रदर्शन में देखने को मिला। दरअसल राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में अलग अलग संगठन अपनी मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। भीख मांगना हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। दर्द का दूसरा नाम विद्या मितान शिक्षक। हर दर्द से पल पल गुजरते हैं, पल पल मरते हैं, ये विद्या मितान की गथा और व्यथा है। उसी को बताने के लिए आज हम भीख मांगकर हमारा ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि नियमितीकरण का वादा घोषणा पत्र में जो आपने लिखा है बिंदु क्रमांक 35 में, उसको अक्षरशः पूरा कीजिए। 2000 का जो आपने हमें तुच्छ भीख दिया है वो भीख हमको नहीं चाहिए, बल्कि आपने गंगा जल का कसम खा के जो वचन दिया है वो नियमितीकरण रूपी वचन आप पूरा कीजिए। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुश फोन लाइन पर जुड़ गए। अंकुश, विरोध का अनोखा अंदाज देखने को मिला है, चुनाव नजदीक, इसी ही देखते हुए तमाम संगठन विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे विद्या मितान राज्य अतिथि शिक्षकों की? देखिए आदम, छत्तीसगढ़ विद्या मितान अतिथि शिक्षक संघ जो है पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर है। ये 3 दिनों की हड़ताल होने के दौरान कई तरह से अलग अलग उन्होंने प्रदर्शन किया है। कल की अगर बात करें तो प्रदर्शन किया था। आज चूंकि विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस के दिन जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो सुबह सुबह जो है आदिवासी नृत्य करके इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और उसके बाद दोपहर बाद बाजार में भीख मांग कर प्रदर्शन करते नजर आए। कुल जो कांग्रेस ने 2018 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में वादा किया था कि नियमितीकरण जो है इनका किया जाएगा अनियमित कर्मचारियों का, और वो नियमितीकरण की मांग को लेकर ही इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल क्या कोई आश्वासन मिला उनको सब तक? देखिए अभी तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है और अल्टीमेटम यह है कि 13 तारीख तक इसी तरीके का ये धरना देंगे, आंदोलन करेंगे और 13 के बाद 15 अगस्त यानी 14 और 15 अगस्त को धरना और आंदोलन नहीं करेंगे। और इंतजार रहेगा कि 15 अगस्त को इनके पक्ष में कोई घोषणा होती है तो निश्चित तौर पर इनकी हड़ताल समाप्त मानी जाएगी, और अगर उसके बाद 15 अगस्त को भी इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। तकरीबन ऐसे कितने शिक्षक हो गए अंकुश प्रदेश भर में? वर्तमान में जो कल्याण संगठन है इनकी संख्या करीब 1600 के आसपास है और ये प्रदेश के उन इलाकों में सेवाएं देते हैं जो दूरस्थ इलाके हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की बात कर लें, जंगली इलाकों की बात कर लें, चाहे वो हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी। ठीक है, शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।